ज्ञानाञ्जनशाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिनामिनि पतित्पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद नवम अध्याय प्रहलाद महाराज यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं भगवान। क्या कहते हैं कि हे प्रभु हे नाथ जगत के परम मंगल के लिए आप विभिन्न प्रकार की लीलाओं को ग्रहण करते हैं। आपका कार्य अपने लिए होता नहीं है क्योंकि आप स्वयं पूर्ण हैं, लेकिन आप फिर भी विभिन्न प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगतवासियों के कल्याण के लिए ही तमाम प्रकार के कार्यों में लीलाओं में रत रहते हैं। आगे कहते हैं तद्यच्छ मन्यु मसुरश्च हतत्वाद्य मोदे साधुरपि वृश्चिका सर्पहत्य लोकांश्च निवृत्तिमिताः प्रीत्यन्ति सर्वे रूपं नृसिंहं विभयाय जनः स्मरन्ति। क्या कह रहे कि हे प्रभु जिस असुर को वध करने के लिए आपने ये क्रोध लीला प्रकाशित किया है, अवतार नहीं लिया, क्रोध प्रदर्शित किया है जिस असुर को मारने के, वो असुर तो अब खत्म हो गया है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ये बात क्योंकि पहले बोल चुके हैं कि आपने जो अवतार ग्रहण किया है वो केवल अपने भक्त, ये जो जितने भी देव है आपके आज्ञाकारी, उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उन लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए। वो कृपामय विग्रह जो अवतीर्ण हुआ है उनके विषय में क्या कहते हैं, उसमें से उस असुर को वध करने का लीला करने के लिए जो आपने क्रोध प्रदर्शन किया अब वो असुर खत्म हो चुका है, इसलिए अब आप इस लीला को विश्राम दे सकते हैं। भगवान का क्रोध करना भी भगवान का कृपा ही होता है। इसलिए आप क्रोध को शांत कीजिए, जैसे बिच्छू और सर्प की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं। एक बिच्छू को मर गया, बिच्छू मर गया, सांप मर गया, तो बोलते हैं सज्जन व्यक्ति भी सुखी हो जाते हैं। वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। सज्जन सुखी जरूर होता है, लेकिन जो उत्तम श्रेणी के महाभागवत जो होते हैं वो नहीं सुखी होते, ये भी एक विशेषता है। इसीलिए सारे ब्रह्मादि देवता जितने भी ये सारे सुखी हैं,
लेकिन स्वयं प्रहलाद उनको कोई विशेष सुख नहीं हुआ, उल्टा प्रहलाद के मन में एक कष्ट था कि मेरे पिता आपका भजन किए बिना आपका ही निंदा करते करते जीवन निकाल के मर गया, इनका तो उद्धार कैसे होगा। जबकि हिरण्यकशिपु के मृत्यु पर सारे देवता प्रसन्न है लेकिन प्रहलाद महाराज प्रसन्न नहीं है, उन्होंने बोला नहीं मुख से। लेकिन समझने की बात है, प्रहलाद महाराज भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिता का मंगल कैसे होगा, ये तो आपके श्री चरणों में अपराध किया, आपका निंदा किया, आपका विरोध किया, ए प्रभु इनका मंगल किस प्रकार से होगा। लेकिन जो सज्जन होते हैं वो लोग सब निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं सांप और बिच्छू से, क्योंकि ये आत्मतई जीव है। बिच्छू को जितना मर्जी आप उसको बचाने का कोशिश करो वो आपको डंक ही मारेगा, सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो वो आपको डसेगा ही डसेगा, क्योंकि ये इनकी वृत्तियां हैं। अभी पीछे सुना एक कहानी कि एक माता अजगर पालती है, किसी ने कहीं देखा और उसको बताया था, वो अजगर भोजन करता नहीं कुछ दिन से, कुछ खाता नहीं, तो वो डॉक्टर के पास ले जाके उनसे पता किया कि क्या समस्या है, तो डॉक्टर कहता है कि ये अपना आपको तैयार कर रहा है जिससे कि समय आने पे तुमको पूरा निगल देगा, तुम्हें ही अपना भोजन बनाने के लिए ये अपने आप को तैयार कर रहा है, क्योंकि वो पालतू जीव है, तब भी इतना खतरा है ये जो जानवरों से। हम ये भी सुनते हैं, एक संत नदी में स्नान करने जाते हैं, देखते हैं कि एक बिच्छू जो है पानी में बहता जा रहा है, वो उसको उठाने के लिए हाथ में करते हैं, वो डंक मारता है, वो बार बार डंक मारता है, फिर छोड़ देता है क्योंकि बिच्छू ने काट दिया, फिर वो पानी में गिरता है, फिर उठाता है, आदमी बोलते दिमाग खराब है, वो इतने बार डसता रहता है, डंक मारता है, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते। तो साधु कहते हैं जब ये अपना स्वभाव नहीं त्याग कर सकता तो मैं अपना स्वभाव को कैसे त्याग कर। कहने का मतलब क्या है, ये बिच्छू इत्यादि है, सांप है, ये आत्मा ही है, वो चाहे जितना मर्जी उनको आप खिलाओ पिलाओ सेवा करो जो मर्जी करो, वो अंत में आप ही के ऊपर आघात करेगा। ये साधु का विचार सही था इस चीज को लेके, साधु का विचार सही था इस चीज को लेके, उस साधु का विचार निश्चित रूप से सही है, वो साधु है, लेकिन मरण वोट बार बार करता था, कैसे इसको त्यागना नहीं, एक किलो समझाने के बाद प्रयास करने का वो फिर मारता, कोई समझदारी तो आपको बार बार मारे, ये समझदारी है, समझदारी के साथ साथ ये उनका दया और कृपा भी है, वो अपने दया गुण को कैसे छोड़ दे। अब हम लोग ले लेते साथ वो उनकी बात छोड़ दो, 1% योग्यता नहीं है, ये कोई दीनता की बात नहीं, फैक्ट बात है, कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है कि हम गुरु जी के श्री चरणों में आश्रय लेके जी सके, है ना, फैक्ट बात है। लेकिन गुरु महाराज जी जीवन भर झेला ही झेला है, लेकिन गुरु महाराज जी की कभी भी गुरु जी ने त्यागा नहीं, अगर गुरु जी सोचते ये लोग तो यूजलेस है और त्याग देते तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो ही जाना। जो भी गौड़ी वैष्णव आचार्य हुए हैं उन सबने ऊपर विचार ना करते हुए भी शिष्यों को ग्रहण करके उनको आश्रय दिया है, वो तो बेचारा एक मूक जीव है, वो तो बिल्कुल वो उसका ऐसे ही वृत्ति है, लेकिन यहाँ जो सुधर सकता है वो भी ना सुधर के इतना कृपा करने के बावजूद भी गुरुदेव को उद्वेग ही दिया है, तब भी गुरु जी ने उन लोगों को त्यागा नहीं। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये साधु का ये गुण ही ऐसा होता है, वो अपनी दया को नहीं छोड़ सकते, अपनी करुणा का भाव को नहीं छोड़ सकते, वो बहुत कम केस होता है, साधारण व्यक्ति है तो ठीक है भैया मुझे कष्ट हो रहा है क्या करना है, ये झंझट झमेला छोड़ जो मरना मर, लेकिन जो संत होता है वो व्यक्ति छोड़ कैसे सकता है,
क्योंकि उनके अंदर वो जो करुणा का जो गुण है वो उसको छोड़ ही नहीं सकता, चाहे उनको खुद को कितना भी कष्ट क्यों ना होता। अब हरिदास ठाकुर है, वो चाहते तो सभी का अमंगल तुरंत हो जाता, लेकिन हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मार रहे हैं, फिर भी हरिदास ठाकुर यही कहते हैं कि प्रभु ये लोग अज्ञानी हैं, इनको कुछ करना नहीं। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पकड़ के बैठा है और वो सारे कोड़े जितने भी मार रहे हैं वो सब महाप्रभु के पीठ पे लग रहे हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर उनका अमंगल करना चाहते ही नहीं। ऐसा होता है, इतना कष्ट होने के बावजूद भी वो उनको नहीं छोड़ सकते, उनके दया का गुण नहीं छोड़ सकते, उनकी उदारता का गुण नहीं छोड़ सकते, वही तो विशेषता है। किसी को समझाते हैं वो सुनना नहीं चाहता, समझ जाता क्या कर सकोगे। इसीलिए पूज्यपाद भारती महाराज जी ये जो तितिक्षस्व कारणी का शब्द के ऊपर बार बार बोलते हैं कि वो जो है जो शब्द भक्त लोग बोलते हैं वो शब्द सबके लिए प्रियकर होता नहीं। तुम दास हो, दास बनो, सब तो स्वामी बनने को बोल रहे हैं, पर जब दास बनो दास बनो बोलते हैं वो बात सुनने के लिए इतना अच्छा होता नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता। इसीलिए बड़ी ही विनम्रता के साथ में वो करना पड़ता है और छोड़ भी नहीं सकते, क्यों? करुणा का गुण कार्मिक, अगर वो एक लिमिट पे आके छोड़ देता है तो वो कार्मिक का नहीं हो सकता, क्योंकि वो करुणा ही ऐसा है कि जब तक हो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, आज नहीं तो कल एक जन्म दस जन्म कभी ना कभी तो भजन करेगा, भगवान के शरण में आएगा, इसका करना है। जब ये तितिक्षस्व कारणी का सूर्य सर्वदेहिनम वाले जितने भी गुण हैं, ये जहाँ पर आके पराकाष्ठाओं में आता है तो वो केवल भक्ति हो सकता है। कर्मी ज्ञानी योगी ये लोग एक लेवल पे आने के बाद टूटते हैं, लेकिन ये जो गुणों के अंदर जो पराकाष्ठा है वो सिर्फ भक्त ही हो सकता है, नहीं तो संभव पर नहीं है। इसीलिए आगे उसमें बता दिया, मई अनन्य भावे और भक्ति पूर्वंती दृढ़, ये सारे गुण हैं, लेकिन अगर वो वाला गुण नहीं है ये सारी चीजें टूटने का पूरी संभावना है। एक लिमिट होने के बाद उसका बस हो जाता है कि अब नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये गुण है भक्ति है तो फिर वो भक्ति का ऐसा प्रभाव है वो व्यक्ति इस गुण को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि जिस भक्ति के द्वारा साधना कर करके प्रेम को आस्वादन किया है, जब वो देखता है, जब इनकी क्षुद्र स्थिति को देखता है, हृदय लेश मात्र भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि उसका त्याग करो, वो पूरा ही उसके अंदर का जो करुणा का भाव, जितना ज्यादा प्रेम में वो खुद है उसी हिसाब से ये करुणा का भाव यहाँ पर वर्तमान दिखाई देता है, क्योंकि नहीं तुमको भी जाना है भगवान की सेवा करने के, इसलिए वो सुनना नहीं चाहता, तब भी उसको बार 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 कर करके उसको मग्न करने का कोशिश करता, इसलिए वो उनका गुण है। कष्ट हो रहा है, कष्ट होने के बाद भी वो अपने ऊपर हुई कष्ट को गुरुत्व ना देके वो उस जीव का जो अमंगल हो रहा है उस अमंगल से उसको बचाने के लिए जो प्रयास है उसके ऊपर उनका जोर अधिक रहता है, क्योंकि मेरा कष्ट शरीर का कष्ट है ठीक है, लेकिन उसका जो कष्ट है वो तो अनंत जन्म और भटकेगा, तो इसीलिए उसके ऊपर जो दया का भाव है वो ज्यादा उनको महत्व रखता है, इस कारण से वो उसको छोड़ नहीं पाते, ऐसा होता है। और हम लोगों के जीवन में जीवन तो उदाहरण हमारे गुरु महाराज स्वयं है, आप भी गुरु जी को नजदीक से देखा, सबने देखा, हम लोगों ने भी देखा कि कितने तरह के गुरु जी के ऊपर एक शिष्योन्मुखी प्रहार क्या देखा जाए, तो उनकी भावनाओं पे, उनके आदर्शों पे, उनके विचारों पे किया है, लेकिन गुरु महाराज जी ने सारे कुछ होने के बावजूद भी अपनी दया का भाव को गुरु जी ने कभी भी त्यागा नहीं, और गुरु जी ने किसी को भी अपने से अलग किया नहीं है। गुरु जी को ना भीड़ की जरूरत है और ना ही गुरु जी को जो है हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई प्रलोभन है कुछ मतलब है। लेकिन किया क्योंकि ये उनका वो गुण ही ऐसा ऐसा
लेकिन जो सज्जन होता है साधारण श्रेणी का जो व्यक्ति अच्छा आदमी है ठीक है बढ़िया है कर्मी ज्ञानी योगी इत्यादि वो लोग टूट जाते हैं। उन लोगों का बस का काम होता नहीं है, एक समय आने के बाद हार मान जाते हैं। तो इसलिए जो भी है यहाँ पर बतला रहे जो सज्जन लोग हैं वो कुछ ही होते हैं, सांप इत्यादि जो भी मर गया अतताई लोग उनके खत्म होने पर। लेकिन प्रभु अब सब आपके शांत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, आपका शांत जो स्वरूप है उसको सभी देखना चाहते हैं। आपके शांत स्वरूप को लोग दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि सारे भयाक्रांत है, सब डर रहे हैं। लेकिन जो भगवान है वो प्रहलाद है, वो कहां डर रहे, वो तो डर नहीं रहे, वो तो प्रार्थना कर रहे कि प्रभु आप कृपा करके आप अपना शांत स्वरूप का दर्शन कराइए जिससे कि सभी उसको दर्शन करना चाहते हैं। हे नरसिंह देव, हे प्रभु, रूपम विसिंहम विभयाया जनस्मरंती, विभयाया जनस्मरंती मतलब जो भयभीत लोग हैं, जो डरे हुए हैं, ऐसे जो जन हैं, स्मरंती जो स्मरण करते रहेंगे किसको, रूपम नृसिंहम आपके जो ये नरसिंह स्वरूप है इसको लोग स्मरण करते रहेंगे। जो व्यक्ति भय से आविष्ट है, जिसके अंदर डर है, जिसके अंदर डर है उन लोगों के लिए भक्त लोग क्या करते हैं, आपका इस रूप का स्मरण करेंगे। प्रहलाद महाराज भगवान को बतला रहे क्योंकि भगवान नरसिंह देव का स्मरण करने पर जितने भी भय है वो सब नाश हो जाता है, डर नहीं रहता। कोई भी किसी भी प्रकार का डर भगवान नरसिंह देव को स्मरण करने पर नहीं रहता है, सब चला जाता है। ये विशेषता है कि भगवान का वो जो रूप वो इस प्रकार का रूप है, ऐसा अद्भुत रूप है, उस रूप को जो व्यक्ति चिंतन करता है, दर्शन करता है, स्मरण करता है, वो हर तरह का भय से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो है कृपा करके अपना शांत रूप धारण कीजिए। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रभु हे नाथ, आपका ये जो स्वरूप है अत्यंत भयावह है, इतना ज्यादा भयावह है कि आपके शरीर के ऊपर बड़े बड़े आंतड़ियों की मालाएं हैं गले में, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप को मार डाला था भगवान ने उठा करके उनके पेट में से आंतड़ियां सब निकाल के गले में डाल दिया था हार की तरह, पूरा शरीर के ऊपर जब ऐसा किया, खून से सना हुआ उनके करकमल है और खून से सना हुआ उनका देह है और ऊपर से छींटे भी काफी खून के गिरा हुआ है, और उसके बाद क्योंकि सिंह जिस प्रकार से गर्जन करता है, सिंह जिस प्रकार से क्रोध प्रदर्शन करता है, आपका मुखारविंद का जो प्रदर्शन है, दर्शन है, बिल्कुल उसी प्रकार से, इसीलिए आपकी जो जीभा है वो बाहर निकला हुआ है बहुत भयंकर रूप से, आया करके बहुत भयानक रूप है। कोई कोई मंदिर में दर्शन करने को मिलता है जीभ ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है, देखा गुंडीचा के पीछे में भी जो नरसिंह देव का विग्रह है वहां भी थोड़ा सा जीभ बाहर निकला हुआ है, उस तरह का एक रूप है, ऐसे रूप उनका वहां पर है क्रोध प्रदर्शन के कारण, और आंखें जो है ऊपर उठ जाते हैं और उसके बाद मुंह सीधे हो जाते हैं, काफी भयंकर स्वरूप दर्शन होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सारी जितने भी है ये आपका रूप, ये बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं, बड़े बड़े लोग, उन सबको भी भय दिलाने वाला होता है। आप देखो सामने से, सामने की बात है, हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद भगवान का ये जो रूप है वो देख के देवता कोई भी उनके सामने जा नहीं पा रहे क्योंकि इतना डर,
प्रहलाद महाराज यही बात बोल रहे हैं, आपका इस तरह का रूप इतना भयंकर रूप है, लेकिन प्रहलाद महाराज साथ में एक बात और भी बताते हैं, आपके जो कोमल कोमल हाथ में इतने वज्र से भी तीखे आपके नाखून है, जो कि उनका शरीर को चीर के रख दिया, इसको देख के सारे डर रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं भयभीत नहीं हो रहा, मुझे डर नहीं लग रहा है। भगवान को प्रहलाद बोलते मुझे डर नहीं लगता, उन सबको डर लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। तो डर किस लिए लग रहा है, अब किस बात से डर है, तुम्हें क्या लग रहा है? प्रहलाद महाराज की बात आगे बताते क्या बोलते हैं, त्रस्तो अस्माहम कृपणा कृपणा वत्सल दुस्सहो दुस्सहो उग्र संसार चक्र कदनात ग्रसतम प्रणीत बद्ध स्वकर्म भी ऋषक्तम ते अंग्रिमूलम प्रीतो अपवर्ग शरणम हृदये हृदये कदानु। क्या बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे आपके इस भयानक रूप से डर लग नहीं रहा है, क्योंकि भक्त को कभी भी भगवान का किसी भी स्वरूप से डर लगता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के भक्त है, तो डर किस बात से? तो यहां पर बोल रहे हैं मैं भयभीत हूं तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पीसने से। मैं किससे डरता हूं, कि संसार के चक्र में पीसने से डरता हूं, ना कि मैं आपके इस रूप से डरता हूं। और ये बात सत्य है, भगवान से क्या डरना, भगवान तो अपना है, भगवान तो मंगल विधाता है, भगवान से क्या डरना, भगवान का किसी भी रूप से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान के क्रोध से, क्रोध भरी नजरों से, किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, किसी भी परिस्थिति के अंदर जीव का अमंगल उनसे संभव ही नहीं है। किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ कुछ भी कर ले, वो जीव का अमंगल उनसे नहीं हो सकता, इसीलिए उनसे डर नहीं है। डर किससे, इस असह्य दुस्सार संसार से डर है, इस संसार के चक्र में पड़ गया आदमी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के उस चक्र में पीस रहा है, उसी से डर है। उद्धव जी क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं तो जाने के बाद तो माया प्रबल हो जाएगा, तो क्या करना है? तो उद्धव जी बोलते उसका मुझे चिंता नहीं है, मैं तो माया से डरता नहीं, मुझे आपके माया से इस संसार से कोई डर नहीं है। बोलते क्यों, आपके प्रसाद सेवन करूंगा, आपके प्रसाद आपके जो अर्पण किए हुए पुष्प है, आपके वस्त्र है, इन सब चीजों के रहते हुए आपके प्रसाद से मुझे किसी प्रकार का माया से डर नहीं, मैं उसके माध्यम से माया को तो ऐसे ही जय कर लूंगा। हम लोग जो महाप्रसाद खाते हैं एक इसलिए माया का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, उसके लिए ये निर्गुण निर्गुण भूमिका का भोजन होता है, वो भगवान का कृपा होता है, इसीलिए उसको महाप्रसाद बोलते हैं। उसके अंदर वो गुणातीत अवस्था में आ जाता है, भगवान का प्रसादी वस्त्र धारण करते हैं, पहले होता आजकल होता कि नहीं मालूम नहीं, लोग अपने लिए भी कपड़े सिलते थे, लाके मंदिर में रखते थे, ठाकुर जी को अर्पण करते थे, फिर उसके बाद पहनते थे। और हमारे उधर जो है जो कपड़े लेके आते हैं उसको कोने में हल्दी भी लगाते, थोड़ा सा इतना इतना हल्दी लगा के उसको ठाकुर जी के आगे रख के छोड़ देते हैं, पूजा वगैरह सब खत्म होने के बाद निकाल के उसके बाद पहनते हैं, चाहे धोती हो कुछ भी हो। ऐसा ही देखा जब मैं घर में था,
अब तो पता नहीं लोग करता है कि नहीं करता, अभी तो दुकानों में भी ट्रायल रूम आ गया, वो पहन के पहले ही देख लो, उधर तो ऐसा नहीं पहले, मतलब हर चीज जो तुमने खाना है, जो तुमने पहनना है, जो भी करना है, सबसे पहले वो भगवान को अर्पण करके फिर होता था। टीवी भी आता था, देखा लोग ऐसे करते हैं, ठाकुर जी को करके फूल लाके उनके आगे, मुझे लगता था कि क्यों ये सब काम करता है, लेकिन अब समझ में आता है, हर चीज जो भी आया वो पहले गोविंद को देकर फिर अपने जीवन में व्यवहार करना, उससे उस वस्तु के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो विकार या वो भाव, वो सब चीज नहीं रहता है, क्योंकि ये गोविंद का है। इस प्रकार के भाव के कारण वो धीरे 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 एक रिचुअल की तरह बन के रह गया था। पहले समर्पण था, बाद में वो एक रिचुअल था, एक ट्रेडिशन था, लोग करते थे। धीरे धीरे लोगों को वो भी नहीं समझा, वो भी शायद बंद हो गया कई जगह पर। तो कहने का अभिप्राय क्या है, भगवान को अर्पित किया हुआ कोई भी वस्तु, उससे तो व्यक्ति माया के ऊपर विजय प्राप्त कर ही लेगा। तो उद्धव जी महाराज क्या बोलते हैं, मुझे अगर कष्ट है वो आपके विरह का कष्ट है, आपके जाने के बाद आपके विरह के द्वारा उत्पीड़ित होऊंगा मैं, मुझे उसका कष्ट है, ऐसा होता है। उसका भी उपाय है, उसके लिए उपाय क्या है, चर्चा, हरि कीर्तन, हरि नाम। स्वयं भगवान ने ये व्यवस्था दिया है, जब मेरा नाम चर्चा करोगे, मेरे गुणों का कीर्तन करोगे, उसी से अपने आप ही तुम इस विरह रूपी यंत्रणा से भी आराम प्राप्त करोगे। कृष्ण चिंतन में विरह नहीं है, विरह की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर मिलन है। जैसे गोपियां श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के विरह में अस्थिर हो रही है, जब अस्थिर होती है सारी गोपियां, जब एक स्थान पे एकत्रित होती है किसी कुंज में, जमुना जी के तट पे, किसी कुंड में, राधा कुंड में, कहीं इधर उधर कहीं पे भी एकत्रित होती है, वहां पर श्री कृष्ण चर्चा आरंभ हो जाता है। जब कृष्ण चर्चा आरंभ हुआ, कृष्ण कीर्तन आरंभ हुआ, फिर उसके बाद कृष्ण का उपस्थिति उन लोगों को वहां पर आभास होने लगता है, क्योंकि स्वयं कृष्ण उस स्थान पर आके विराजमान हो जाते हैं। सची माता तरह तरह के व्यंजन बना करके निमाई को याद करके मंदिर में रखती है, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु वहां आके उनके सामने भोजन करके चले जाया करते थे। उनको कभी लगता था कि मैं शायद कुछ रखा ही नहीं, खाली थाली रख के आ गई, कभी उनको लगता था कि शायद मैं परोसना भूल गई, कभी उनको लगता था कि नहीं महाप्रभु आके खाके गए। लेकिन जिस समय सामने वो बैठ के खा रहे हैं, माता वहां बैठ के देख रही है, और देख के इतने आनंदित हो रही है कि निमाई बैठ के खा रहा है, पूरा सुख उनको मिल रहा है। ऐसे ही कृष्ण जब गोपियां चिंतन करती है, कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं, और वही सारी लीलाओं को करते हैं जिन लीलाओं को पहले गोपियों के साथ किया करते थे। उसके बाद फिर देखते तो कृष्ण दिखाई देते हैं। तो विरह और मिलन, मिलन और विरह, इस तरह से कई तरह की एक अद्भुत अनुभूति, आनंद का एक अलग तरह का अनुभूति, प्रेम का उन लोगों ने वहां अनुभव किया है। ये सब होता किससे, उनकी महिमा कीर्तन, उनके गुण कीर्तन, उनका नाम कीर्तन, इसी के माध्यम से हो जाता था। उसका भाई बोल रहा है ना यहाँ बैठ, इसीलिए वो चिल्ला रहे हो। और क्या, तो क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं इस संसार के अंदर केवल अगर भयभीत हूं तो ये परिवर्तनशील जगत के अंदर इस संसार के चक्र में पिसने के डर से ही भयभीत हूं, इसके अलावा और कोई डर मुझ में नहीं है।
मुझे और किसी प्रकार का डर नहीं है, प्रहलाद महाराज बतला रहे हैं। मैं अपने कर्म पाशों से बांधकर इस भयंकर संसार में डाला जा चुका हूं। अब मैं किस कहां पर हूं, ये भयंकर संसार है। इस संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते रहते और उनके बीच में मैं भी अपने कर्मों के कारण आगे पड़ा हुआ, इसीलिए भयभीत हूं। क्योंकि कृष्ण विमुख जीव है, कोई भी कृष्ण को पाना नहीं चाहता है, कोई भी कृष्ण का भजन नहीं करना चाहता है, कोई भी कृष्ण को अपनाना नहीं चाहता है। ऐसे विमुख लोगों के बीच में जब मैं पड़ा हूं, उन लोगों के भयंकर कर्मों के कारण मैं उस कारण भयभीत हूं। मतलब हरिविमुख जन जितने भी है उनके बीच में रहने के कारण मैं भयभीत हूं, ना कि मैं आपके किसी स्वरूप से भयभीत हूं। बता रहे हमें डर किससे होना चाहिए, हमें भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, किसी पशु से डरने की जरूरत नहीं। हमें डरना उन लोगों से चाहिए जो लोग कृष्ण विमुख है, जिनके अंदर भजन करने की इच्छा नहीं है उनसे डरना चाहिए, क्योंकि वो आपके वृत्तियों को न केवल दूषित करेगा, आपके अंदर भजन करने की जो इच्छा है, भगवान को पाने की इच्छा, उनसे प्रेम करने की अभिलाषा है, उसको जड़ से उगाते। इसलिए सूरदास जी महाराज बोलते हैं, दुर्जन संग कभी नहीं कीजिए। ऐसे गलत व्यक्ति जिनका इस तरह के संस्कार है, जिनका इस तरह का कर्म है, उस तरह के व्यक्तियों का कभी भी संगति नहीं करना है। नहीं मैं करूंगा तो सूरदास जी बोलते जिनके संग कुबत भी उपजते हैं, पड़त भजन में भंग। इस तरह के लोगों के संगति से क्या होता है, कुबुद्धि आएगा। ठीक है, अभी छोटी सी घटना है, वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है। मैं एक जगह जहां रुका वहां मेरे साथ दो तीन बच्चे भी रुके हुए थे, उनमें से एक का पेट खराब है। वो खाता है जाता है। वो इतने बार जा चुका है, उसको देख के अब ऐसी साइकोलॉजी में थोड़ा मन में आया, मैं भी खा के फिर मैं भी चला गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा भी पेट ठीक है। समझने आएगा, छोटी सी बात है। जब मैं अंदर गया तो मैं मन में सोचा, ठीक है कि ये क्या है। ऐसा ही होता है, जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, आप भले ही ना पीते हो, उसके साथ उठना बैठना करने से एक ना एक दिन ग्लास हाथ में पकड़ लोगे। जो सिगरेट पीने वाला है वो भी ऐसे, अगर वो सिगरेट पीते है, आप बैठे हो, आप पी नहीं रहे, आप नहीं नहीं ये सब काम नहीं करता, नो प्रॉब्लम, पहले दूसरा पी रहे आप सूंघ रहे हो, थोड़ी देर के बाद तो थोड़ा पकड़ना है, यहां तक आ गया वो फिर मुंह में भी आ जाता है। हर चीज जैसे व्यक्ति की वृत्तियां आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वही तरह की चीजें आपके अंदर अपने आप आता है। एक आदमी भोगी है, भयंकर भोगी है, उसको देख रहे हो आप, देखते 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 हमारे पास पैसा ना भी हो, उसको देख देख के मन ऐसा हो गया कि आप चाहिए कि मैं भी उसके तरह ही बनना है। लोग ऐसे हैं, उसका कारण क्या है, संघ का रंग है। इसीलिए बोलते हैं भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के बीच में रहते 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 कब उस भक्ति का रंग हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में चढ़ गया हमको मालूम नहीं पड़ेगा। भक्तों के बीच रहते रहते कब हमारे अंदर वो चीज आ गया। नेता जो बनते हैं, नेता के साथ रहने वाला वो तो समाज सेवी के रूप में ही खड़ा होता है,
धीरे 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 कब वो खुद चौधरी बन गए उसको ही मालूम नहीं है। ऐसा है, अब जैसे पंजाब में एक परिवार है, बहुत सज्जन लोग है, बहुत अच्छे परिवार है, लेकिन कुछ आरएसएस ये वो इन सब चीजों के प्रति उनका झुकाव है। एक दिन मैं देखा, मेरे पास आए वो लोग, हो रहे हैं मुझे जबरदस्ती घर बुलाकर रात के 2:30 बजे से पूरा परिवार बैठा हुआ था कि नहीं कब कब मिलेंगे, नहीं आप कुछ बोलिए, नींद भी आ रही है, ऐसे कर रहे हैं। फिर भी मैं बोले सो जाओ, बोलते ना 2:30 बजे तक बैठ के पूरा परिवार बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग जितने भी, और वही परिवार है। बाद में समाज सेवा का भाव प्रबल हुआ है तो मेरे पास आके प्रणाम करके बोलते स्वामी जी हम आपसे मिलेंगे फिर, बहुत सारी काम करेंगे। करना क्या है नेतागिरी, जबकि वो नेता बनना उनका उद्देश्य नहीं था। ऐसे लोगों के साथ रह रहे के अंदर से वो नेता पैदा हो गया है ना। अब जगह जगह पर ऐसे ही हाथ जोड़ के 10 कार्यकर्ता पीछे, वो आगे ऐसा हाथ जोड़ के चल रहे हैं, बोलते हैं वोट जरूर देना जी। यही बात है, ऐसे जब हम भक्तों के पास रहेंगे, भक्त को देखते 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 एक दिन हमारे जीवन के अंदर वो भक्त के हिसाब से, वो जो भक्त का जो हृदय के अंदर की चीज है हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाएगा, निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि हम लोग ऐसे जगत में हैं जहां पर जिसका भी संग करेंगे उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। हम बैठे हैं मान लो, हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन हम जिनके बीच में बैठे हैं 2-4 लोग, उन लोग इसकी उसकी किसी न किसी की चर्चा करते रहते हैं। कुछ दिन के बाद चाहो या ना चाहो आपके मुख से भी जो है चीज में उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ता है। इसलिए सूरदास जी महाराज बोलते जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, कृष्ण के अलावा भगवान के अलावा किसी और चीज की अभिलाषा रखने वाले जो व्यक्ति, उनके संगति से हमारे बुद्धि के अंदर वो कुबुद्धि आ जाएगी। उससे क्या होगा, पड़त भजन में भंग, भजन के अंदर बहुत बड़ा विघ्न आ जाएगा, भजन के अंदर उसके बाद भजन नहीं चलेगा। इसीलिए एक जगह और भी कहा, छाड़ी मन हरिविमुख अन को संग, हरिविमुख जितने भी व्यक्ति है उन सबका संग छोड़ देना, ईमान उनके साथ में नहीं रहना, क्योंकि वो लोग अपने पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से जिस तरह का जीवन जी रहे होते हैं, उन लोगों के संगति से उत्पन्न होने वाले उस कर्मों का इंप्रेशन वो हमारे हृदय पे हमारे बुद्धि पे बहुत प्रबल रूप से आक्रमण करता है। फिर उसके बाद आदमी को बचने का रास्ता मिलता नहीं है। इसलिए यहां पर यही बात बोल रहे, मैं ये संसार में अपने कर्म फल के कारण विभिन्न प्रकार के जो जीव है उन लोगों के बीच में घिरे रहने का मैं इसी बात से डरता हूं, ना कि आपके इस स्वरूप से डरता हूं। और क्या बोल रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे स्वामी आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने ही उन चरण कमलों में बुलाएंगे, जो समस्त जीवों का एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। इसीलिए मेरा प्रार्थना क्या है, मुझे इस संसार से उठाकर अपने श्री चरणों में स्थान दे दीजिए, मुझे आपके श्री चरणों में स्थान चाहिए, जो सभी जीवों का एकमात्र क्या है, सभी जीव का एकमात्र शरण और मोक्ष रूप है। जितने भी जीव है, हम माने या ना माने, हम सबका एकमात्र आश्रय गोविंद के श्री चरण है और कुछ नहीं।
यही बात प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं, तमाम जीवों का कि मोक्ष स्वरूप है। मतलब क्या है? बंधन से मुक्ति। हम लोगों ने इस संसार के जीवों के बीच में अपने आप को उलझकर जिस जिस चीज के प्रति आसक्त होके उसके साथ बंधन बना लिया, वो सारे बंधनों को काटने का जो सुगम उपाय है वो केवल आपके श्रीचरण है और कुछ नहीं है। नाथ प्रहलाद महाराज इस बात को बता रहे हैं। आप देखो भगवत गीता में भगवान बोलते मामई वे प्रवर्तन्ते माया में ताम तरंतिते। ये जो जगत है मायामय जगत है, माई जगत है, नहीं है, है की तरह लगता है। इस संसार में एक दूसरे के प्रति किसी का कोई प्रेम नहीं है, चाहे कोई भी हो, लेकिन सबको लगता है कि नहीं प्रेम है। मुझे मेरे पत्नी से प्रेम है, पत्नी को मुझसे प्रेम है, बच्चों को हमसे प्रेम है, हमको उनसे प्रेम है, हमें घर से प्रेम है, समाज से प्रेम है, देश से प्रेम है, इससे प्रेम है, उससे प्रेम है, हमें लगता है। लेकिन जब स्वार्थ के ऊपर आक्रमण होता है, जितना ज्यादा गहराई के साथ आक्रमण होता है, उतना ही हम लोग अपने अपने रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अधिक पैसा मिले, ज्यादा सुविधा मिले, व्यक्ति देश भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं लक्ष्मण से, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसि। ये जो शब्द है भगवान राम के शब्द हैं। जब लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया था तो राम जी तो जाएंगे नहीं लंका में राज्याभिषेक समारोह में, लक्ष्मण जी जाके आए। और लक्ष्मण जी ने जब लंका देखा, सोने जी से लंका इतना अद्भुत है, तो लक्ष्मण जी भगवान से आके कहते कि बहुत सुंदर है, एक बार देख लेते। तब भगवान ने लक्ष्मण को ये बात कहा था कि लक्ष्मण और स्वयं भगवान श्री राम अयोध्या जी के जो रज है उसको लेकर के अपने साथ में यात्रा किया, उसका पूजा किया करते थे रोज, यहाँ कमर में बांध के रखते थे यहाँ पर, और रोज जहाँ पे भी जाना है जो 14 साल के वनवास में वहां उसको रख के उसका पूजा किया करते। और उन्होंने ही कहा लक्ष्मण से, जननी जन्म भूमि च, अयोध्या जी का रज, जैसे ब्रज रज होता है ऐसा अयोध्या जी का रज को लेके आए थे वहां से। गिरिराज जी का नहीं लाना है, बाकी ले सकते हैं। गिरिराज जी का बाकी ले सकते हैं, ले सकते हैं। पूरी धाम का है ना आपके पास, रखा है जगन्नाथपुरी का इतना सा। मैं एक बार जगन्नाथपुरी से लेके आया मंदिर के उधर से, आपके यहाँ ही है, ऐसे रख सकते हैं कोई। गिरिराज जी का नहीं रखना है क्योंकि उसके बीच में गिरिराज जी के शिला रहने की संभावना है, कण कण के रूप में। गिरिराज जी की जैसी बड़ी शिला, ऐसी गिरिराज जी का छोटे छोटे वो भी उसमें अगर आ गए वो फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए गिरिराज जी का छोड़कर बाकी ब्रज के अंदर कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं और उसको पूजा कर सकते, मंदिर में रख सकते। हम लोग जाते हैं विदेश तो हम राधा कुंड का जल और ठाकुर जी का वो जो वृंद ब्रज का रज ये सब लेके जाते हैं साथ में, संध्या करने, तिलक करने और चीजों के लिए, पूजा करने के लिए। लगभग सब करते हैं ऐसे, जितने भी लोग भारत से बाहर जाते हैं वो सब कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। तो जो इसलिए क्या कह रहे हैं वो, क्या राम जी वो जननी, हाँ बोलते हैं जननी जनो भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसि, स्वर्ग इन सबसे भी जो है एकदम ऊपर का स्तर। लेकिन हम लोग जो होते अपने स्वार्थ पे आघात होने पे माता को भी छोड़ देते हैं। एक एक हमारा ही मित्र है, अच्छा नहीं है, लेकिन जब दिमाग खराब हो गया वो अपने माता को ही उल्टा सीधा बोलता है, क्या करेगा, तुमको पाला है मान है, वो रोती है तुम्हारे लिए, तुमको भी मालूम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्त्री के उसमें मोह में माँ को भी उल्टा सीधा बोल देता है, कहाँ गया तुम्हारा प्यार।
हर व्यक्ति इस संसार के अंदर किसी के अंदर दिखाई देता है, किसी में दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस संसार के अंदर प्रेम नाम का चीज व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में है नहीं। वो केवल मात्र निहित स्वार्थ है। मैं तुमसे इसीलिए प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं प्यार करता हूं। अगर मुझे नहीं अच्छा लगता था तो तुम जब मुझे कितना भी प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं हूं क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। आई डोंट लव यू। इस तरह से आदान प्रदान दिखाई देता है संसार में, यही माया है। नहीं है लेकिन है की तरह दिखाई देता है। इस उलझन में फंसा हुआ जीव क्या कर रहा है, कभी सुख अनुभव कर रहा है, कभी दुख अनुभव कर रहा है, कभी डिप्रेशन अनुभव करता है, कभी उदासी, कभी मायूसी, कभी कुछ तरह तरह की चीजों को इस जिंदगी के अंदर व्यक्ति अनुभव कर रहा है। लेकिन भक्त क्या कहते हैं कि प्रभु आप कृपा करके मुझे अपना शरण दे दीजिए, पाप हो, पुण्य हो, सुख हो, दुख हो, वो सब आपके लिए हो। हमारे पूर्वाचार्य एक कीर्तन के अंदर बतलाते हैं, तुम्हार सेवाएं दुख हो या तो सेव तो परम सुख। आपकी सेवा में आपके प्रति जो समर्पण है उसके अंदर अगर मुझे दुख भी प्राप्त होता है वो मेरे लिए परम सुख है, क्योंकि वो वास्तविकता में दुख की तरह प्रतीत हो रहा है, स्थूल दृष्टि से दुख की तरह प्रतीत हो रहा है। जब हम उसकी गहराई में देखते हैं वो अनुभव करने वाला व्यक्ति को वो दुख की तरह दिखाई दे नहीं रहा, वो परम सुख की अनुभूति वहां पर हो रहा है। जैसे कृष्ण विरह में कातर जो गोपियां हैं जब रो रही है, तुमको इतना तकलीफ है कृष्ण के बिना, वो आता भी नहीं है तो छोड़ दो उसको, लेकिन नहीं, उसको तुम छोड़ दो, छोड़ भी नहीं सकते। क्यों भाई? मोह है, कृष्ण से मोह है, प्रेम है। मोह होता है समय के साथ में फेड हो जाता है। मोह जो होता है वो समय के साथ में धीरे 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 कम हो जाता है। आदमी जैसे दूर 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 चला गया मोह कम होने लग जाता है। दो चार साल पांच साल के अंदर इतनी लंबा 100 साल का अखंड विरह की अनुभूति, और पूरा 100 साल के अंदर पहले दिन और आखिरी दिन एक ही जैसा हो, ये नहीं होता है। गुरु जी से जैसे हम लोगों का प्रेम नहीं है, अगर होता गुरु महाराज जी जब अप्रकट हुए वो दिन जो हृदय में पीड़ा है आज भी वही पीड़ा होना चाहिए, होता नहीं। कहां मेरा? धीरे 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 लाइफ जो है नॉर्मल हो गया, अलग स्टाइल में चल रहा है अभी तो। वो जो दर्द वो कहां है? ऐसा संसार के साथ में ऐसा ही होता है। जबकि कोशिश करने से भगवान और गुरुदेव के प्रति प्रेम मजबूत भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग बैठे ही उसके लिए। गुरु जी तो नित्य है, अगर हम उनसे अपने संबंध को पक्का करना चाहते हैं तो गुरु जी आगे बैठे हुए हैं अपने आप को देने के लिए ताकि हम उनके साथ जुड़ सके। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है, मरने के बाद कौन कहां चला जाएगा किसी को पता ही नहीं। हमें मालूम है हमारा पूर्व जन्म में हमारा कौन क्या है। मान लो कि हम पिछले जन्म में घर का एक ही मेंबर है काम करने वाला, वो घर वाले भूखा सड़ रहे हैं क्योंकि हम मर गए हैं, हमारा अभी अगला जन्म हो गया है, क्या हमें मालूम है कि वो लोग कहाँ है? या हमें पिछले जन्म में बहुत ज्यादा प्यार करने वाला कोई हमारा अपना है लेकिन वो भी मर गया है, अब हमें मालूम है? सामने आने से भी पता नहीं चलेगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ शरीर देखते हैं, शरीर के साथ संबंध देखते हैं, सब कुछ जड़ ही जड़ देखते हैं, लेकिन भगवान
आत्मा देखते हैं, चेतन तत्व को देखते हैं, गुरुदेव आत्मा देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा शरीर है क्या है, पुरुष है स्त्री है नपुंसक है शंड है कौन है, कुछ नहीं देखते। इसलिए आप बोल रहे हैं कि आपके श्री चरण जो कि अभय चरण है अभय पद है, आपके श्री चरण जो कि मोक्ष पद है, जिनके आश्रय लेने पर व्यक्ति माया से तर जाता है, इस अज्ञानमयी जगत से बाहर निकल जाता है, उस जगह पर मुझे स्थान आप कृपा करके प्रदान करें नाथ करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। दिखाई देता है हिरण्यकश्यपु को सब प्रणाम किया, हिरण्यकश्यपु को सब आदेश पालन किया है ना, लेकिन ऐसे पालन किया जैसे कि हिरण्यकश्यपु भगवान है, लेकिन एक का भी हिरण्यकश्यपु से प्रेम था, एक का नहीं था। ये जगत ऐसा है, ये बात हिरण्यकश्यपु भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं, स्वयं प्रहलाद भी जानते हैं, ब्रह्मा जी देवता भी जानते हैं, किसी से कोई प्रेम नहीं, लेकिन अपनी सुख अपनी सुविधा अपना ही आनंद एकमात्र उद्देश्य है। प्रहलाद महाराज बोलते इन्हीं चीजों से मुझे डर लगता है क्योंकि इनमें सत्यता नहीं है। जिस आनंद के अंदर सत्यता नहीं है वो आनंद कभी भी स्थायी नहीं होता है, वो आनंद क्षणिक हो जाता है, वो क्षणिक है अभी है, कितने पल के लिए रहेगा मालूम नहीं, वो चाहे एक साल रहे 20 साल रहे तब भी वो क्षणिक ही माना गया है, क्यों स्थायी नहीं है, निश्चित नहीं है। जो निश्चित नहीं है, जो आनंद जो अनुभूति निश्चित नहीं है, जो उपलब्धि निश्चित नहीं है, जो चीज शाश्वत नहीं है, उसको हमेशा क्षणिक संज्ञा जी है, वो जीवन में कभी भी हमें सुख दे नहीं सकता। सुख तो हमें अभी एहसास हो रहा है, लेकिन इसके पीछे में किस मुहूर्त में हमारे सुख के ऊपर आक्रमण हो वो हम लोग जानते नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज जी का समस्या वो नहीं, प्रहलाद महाराज जी का समस्या क्या है, इस तरह के लोगों के बीच में मेरा रहना वो मेरे लिए समस्या है। उसका कारण क्या है कि वहां आपका नाम नहीं है, आपका भक्ति नहीं है, आपका सेवा नहीं है, आपकी उपासना नहीं है, अपने प्राणों के भय से भयभीत होकर व्यक्ति आपका पूजा पाठ सागर भजन सब छोड़ करके बैठा है। ऐसे लोगों के बीच में प्रभु मुझे रहना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा कष्ट है, भयंकर कष्ट है, और किसी चीज का कष्ट कष्ट है नहीं है, ये कष्ट है। और आगे क्या कहते हैं, अनंत मैं जिन जिन योनियों में गया उन सब योनियों में प्रिय के वियोग अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। तो क्या बोलते हैं, जो जो योनियों में मैंने यात्रा की है हे नाथ, 84 लाख योनि है, उनमें से जो भी योनियों में मैंने यात्रा किया, तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, वहां पर जो प्रिय का वियोग, जो मेरा प्रिय है उनका वियोग, तो एनिमल्स में भी क्या अनुभूति होती है क्या, योनियों का डेफिनेटली होता है। देखा नहीं आप गाय का बच्चा मर जाता है तो गाय कितना रोता है, रोती है, भैंस का बच्चा मरने से वो रोता है, जानवरों में भी ये चीज होता है, विवेक नहीं होता बाकी सब कुछ होता है। विवेक सिर्फ मनुष्य में होता है कि वो व्यक्ति अपने लिए सही मार्ग प्रशस्त कर सकता है कि मेरे लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, इन सब चीजों के बारे में आदमी कर सकता है, बाकी और में नहीं होता है। तो जो भी है अलग अलग योनियों में जहां भी मैंने यात्राएं की है वहां जो मेरा प्रिय का वियोग विरह और अप्रिय का संयोग, ये दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा कष्ट दिया है, ये दोनों ही मुझको क्या किया, शोकाग्नि में डाल दिया। आप जिस चीज को नहीं चाहते हो, जिन वस्तुओं को नहीं चाहते हो, जिन व्यक्तियों को नहीं चाहते हो,
उन व्यक्तियों के बीच में आपको रहना पड़ रहा है और जिनको आप चाहते हो वो लोग आपसे विमुख हो गए, दूर हो गए हैं। ये बहुत ज्यादा भयंकर कष्ट है। वो बोलते हैं इस कष्ट का अग्नि में मैं एकदम वो उतर रहा है। मतलब क्या है यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है कि वो पशु योनि की बात हो रहा है, कोई भी योनि, मतलब वो मनुष्य योनि को भी हम लोग ले सकते हैं, मतलब जितने भी जन्म हुए उस हिसाब से भी ले सकते हैं, हम जानते नहीं। सिर्फ प्रहलाद महाराज के बारे में पुराण के अंदर इतना आता है कि वो पहले वसु शर्मा नाम का ब्राह्मण थे, उनके पिता का नाम जो है वसुदेव शर्मा है और माता का नाम सुशीला थी। ये नरसिंह चतुर्दशी का व्रत करके उसी समय उन्होंने शरीर को त्याग किया था। वो त्याग करने के बाद फिर वो माता कयाधु के गर्भ में उनका जन्म हुआ, इस तरह से उनके बारे में सुनने में आता है। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान की इच्छा से इस जगत में आए हैं, उससे पहले उनका क्या लीला है ये सब कहीं पे देखने सुनने में आया है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं विभिन्न योनियों में भ्रमण की है, तो उन्होंने भ्रमण की है बोल रहे हैं, वो मनुष्य योनि भी हो सकता है या कोई और योनि भी उन्होंने यात्रा की हो। लेकिन कहने का अभिप्राय क्या है, ये भक्त प्रहलाद नित्य नहीं है? क्यों नित्य नहीं? तो फिर उनका पिछले जन्म का बता रहे हैं। वो होता है एक दो जन्म ऐसा था। अब भीष्म देव है वो भी नित्य ही तो है, वो द्वादश महाजन में एक है, भीष्म पितामह वो भी नित्य है। जैसा ये द्वादश महाजन के अंदर बलि, कपिल और उसके बाद जनक ये सब आ जाते हैं, सुखदेव जी, व्यासदेव जी, शिव जी सब आ जाते हैं। तो जितने भी द्वादश महाजन है सब नित्य ही होते हैं, लेकिन उसमें से अलग अलग विचार आ जाता है, जीव कोटि का, ईश्वर कोटि का, इस तरह का विचार आ जाता है। तो उसमें से कोई कोई भगवत इच्छा से भगवत अंश रूप में आते हैं, कोई जीव के अंदर से भी आते हैं। अब प्रहलाद महाराज तो जीव नहीं है, जीव तो है, सारी जीव है, लेकिन उस तरह से कोई आया हुआ कर्मोन्नति किया हुआ जीव नहीं है। जैसे नारद जी पहले दासी पुत्र के रूप में उनका लीला हम लोगों को सुनने में आता है, लेकिन ये सब स्वयं भगवान के परिकर होते हैं, विभिन्न प्रकार से जीवन धारण करके उसके बाद जगत के सामने एक आदर्श सेट करते हैं। और दूसरे इनके जो उपदेश और शिक्षाएं जो रहते हैं वो पर्सनल नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान उत्तम श्लोक है, भगवान की जो स्तुतियां हैं वो तमाम जीवों के मंगल को उद्देश्य करते हुए ही होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जो इस बात को यहाँ कह रहे हैं वो प्रहलाद महाराज प्योरली अपने ऊपर लेके कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जितने भी जीव विभिन्न प्रकार के योनियों में भ्रमण किया, अब प्रहलाद महाराज को किस बात का डर है? देखा जाए तो प्रहलाद महाराज को आगे ही जब भगवान ने दर्शन दिया, प्रहलाद महाराज जी के सिर पे अपने हाथ को रखा, उसी से प्रहलाद महाराज जी के जीवन के अंदर बचे बुचे जो भी है ऐसा भागवत जी के अंदर आता है, सब कुछ खत्म हो गया और प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से विशुद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं। वो भी कब? अब नहीं, 3 दिन पहले ही जब उनको समुद्र के तट पे प्रहलाद को भगवान ने गोद में लेकर के बिठाया था, तभी भगवान जहां पर आते हैं, भगवान जहां दर्शन देते हैं, वहां किसी प्रकार का भाई ये सब चीजें रहता नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज जो स्तुति कर रहे हैं अपने आप को केंद्रित करते हुए कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता में संपूर्ण जगत के मंगल के लिए उपदेश है। इसलिए आप बोल रहे हैं जो भी जीव विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए कभी प्री का वियोग और अप्री का संयोग के इस भयंकर अग्नि के अंदर, उस ज्वाला के अंदर जले जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक कष्ट है। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वो भी दुख रूप ही है। इस संसार के अंदर उत्पन्न होने वाले वो जो दुख
प्रिय वियोग अप्रिय संयोग संयोग का जो दुख उसको मिटाने के लिए जो उपाय है इस संसार में वो भी बहुत दुखदाई है ना। इस संसार में कोई भी सॉल्यूशन जो है सुखदाई नहीं है, हमें देखने को आता है, हम कोशिश तो करते हैं कई तरह से अपने आप को तनाव से मुक्त करने के लिए या दुखों को निवृत्त करने के लिए जो है हम लोग चेष्टा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सुखदाई नहीं, सबके सब परम दुख देने वाले। मैं ना जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा। क्यों दुखदाई है? क्योंकि मैं अपने से अलग जितनी भी वस्तुएं हैं उनको आत्मा समझ लिया। मतलब जो शरीर में मैं बुद्धि लेकर के जो जीव जी रहा है वो जो भी सॉल्यूशन निकालता है अपने प्रॉब्लम के लिए वो सब दुखदाई होता है। हम लोग जी रहे कैसे? स्वरूप ब्रह्म के साथ जी रहे हैं। होते कुछ है, समझते कुछ है ना, होता कुछ है, समझता कुछ है, करते कुछ है, तो उसका परिणाम भी कुछ और ही निकलता है। शुरू में अगर हमने गलती की है उसके बाद चाहे जो मर्जी हम लोग आगे करते रहे उसका रिजल्ट गलत ही आएगा, है ना। मान लो 1+1 2 है, अगर हमने 3 बना दिया उसको, उसके बाद जो मर्जी करें हमारी हर कैलकुलेशन के अंदर भूल ही रहेगा, है ना, वो वहां पर ठीक नहीं हो सकता। हम उसमें ये बोलने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैंने तो पूरा किया, तुमने तो पूरा किया लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? जो किया तुमने शुरू में ही भूल किया है। तो इसीलिए जब हम लोग जीवन के अंदर भी अपने स्वरूप संबंधी भूल को अगर हम करते हैं, वो क्या है कि मैं हूं कुछ, खुद को समझता कुछ। प्रहलाद महाराज यही बोल रहे, अपने से अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं उन सबको मैंने आत्मा समझा, मतलब खुद को मैंने आत्मा समझा ही नहीं, मैं इस शरीर को आत्मा समझा, शरीर में रहने वाला जो मैं हूं उसको मैंने कुछ समझा ही नहीं। तो इसीलिए जो मैंने उपाय ढूंढा वो सब शरीर की संतुष्टि के लिए ढूंढा, इसीलिए शरीर कभी खुश नहीं हो सकता। शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकता, इसीलिए उसका जो परिणाम है वो दुखद ही मेरे सामने आ रहा है ना। बोलते हैं मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा उंगली, मैं, ये मैं और मेरे के बीच में जो है वो क्या है इसके ऊपर कभी विचार किया नहीं। इसको मैंने मैं समझ लिया, मैंने मुझे, वो है कौन, वो उसी के विषय में भ्रम हो गया। वो आत्मा, उस आत्मा को ना पहचान कर, अपने आप को ना पहचान कर किया क्या मैंने, अपने से जिन जिन चीजों को मैंने जोड़ा या जिन जिन वस्तुओं के साथ में मेरा संबंध बना है उन वस्तुओं को मैंने मैं समझा, उस कारण से मुझे भयंकर पीड़ा मिल रहा है। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति भगवान से विमुख होके भगवान के चरणों का आश्रय ना लेके भगवान का भजन ना करते हुए भगवान से डर कर भगवान से दूर होके संसार में अपने आप को आविष्ट करने का प्रयास करता है, प्रहलाद महाराज बोलते वो सारे व्यक्ति अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। वो लोग ऐसे व्यक्ति मेरे लिए प्रियकर क्या है, मैं सच्चिदानंद हूं, तो मेरे लिए जो सबसे प्रिय वस्तु सच्चिदानंद ही हो सकता है, उसको छोड़कर मैं जब ये अनित्य जगत के अंदर के पदार्थों को प्रति अपने आप को जोड़ने का कोशिश किया उसके परिणाम में मुझे दुख ही मिल रहा है। आत्मा का प्रिय वियोग क्या है? कृष्ण विरह। आत्मा का प्रिय वियोग क्या है? ब्रह्म वियोग। आत्मा का प्रिय वियोग क्या है? परमात्मा वियोग। आत्मा का प्रिय वियोग क्या है? भगवान से वियोग है।
और अप्रिय संयोग क्या है, ये शरीर और शरीर से जुड़ी हुई हर वस्तु इन सब के साथ में अपने आप को जोड़ना, क्योंकि आत्मा को ये कभी भी संतुष्टि दे ही नहीं सकता। जिस समय हम शांत स्थिर होकर के बैठ के चिंतन करते हैं तो हमें अंदर अंदर से एक अलग तरह का कमी, एक अलग तरह का अभाव का एहसास होता रहेगा कि किसी न किसी एक चीज की कमी मेरे जीवन में है ना। सब कुछ है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं, सब कुछ रहने के बावजूद भी एहसास होता रहता है बीच बीच में कि नहीं कुछ कमी तो है। वो कौन है जो फील करता है अंदर बैठ के? वो वही है जो वास्तविकता में सब कुछ रहने के बाद भी खुश नहीं है, वो है आत्मा। आत्मा को सुखी करने के लिए जो जो साधन हम लोग ढूंढते हैं, जैसे आदमी दुखी है लोग बोलते हैं घूम के आओ, टहल के आओ, टीवी देख लो, सिनेमा देख लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो, ये सब चीजें लोग अक्सर उपाय ढूंढते रहते हैं। हाँ, फ्रेश हो जाओ, किसी से बात कर लो, इधर मिल लो। प्रहलाद महाराज बोलते ये सारे झंझट जो तुम कर रहे हो ये भी तुम्हारे लिए दुखमय सॉल्यूशन है, क्योंकि एक भी काम इनसे जुड़ा हुआ वो खुद भी कोई सुखी नहीं है। वो खुद ही एक ऑलरेडी जो व्यक्ति तनाव में बैठा है वो तो दूसरे तनाव में बैठे हुए को क्या इलाज करेगा। अपने स्लोवेनिया में गया था, वहां एक डॉक्टर आया, वो साइकेट्रिस्ट है, ठीक है, वो आया कथा में ऐसा बैठा था। मैं बोला ये पेशेंट है? वो बोलते नहीं महाराज जी ये तो डॉक्टर है। कौन सा? बोलते साइकेट्रिस्ट है। वो क्या इलाज करेगा? और उसके जो मरीज है, मरीज उसके पास जा रहा था, जाते जाते उससे पूछा ये क्या है ये क्या है, क्योंकि मरीज भक्त है, उससे पूछा ये सब क्या है, उसने बताया ऐसे ऐसे मैं भजन करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो फिर साइकेट्रिस्ट भी मरीज के पीछे आके बाद में हरिनाम दीक्षा ले लिया। अब दोनों डॉक्टर और मरीज इलाज तो उनकी चल रही है, लेकिन दोनों कथा में आते हैं दोनों ऐसे रहते हैं। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कौन मरीज है कौन डॉक्टर है। कहने का बात ये है कि संसार के अंदर चीजें ऐसा है, ये दुखी है वो दुखी है, वो दुखी है ये दुखी है, और इसके बीच में ये आत्मा उसको रिफ्रेश करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए जिन लोगों को आगे किया जाता है उन लोगों के द्वारा केवल दुख ही प्राप्त होता है। उस समय हो सकता है थोड़ा सा चेंज होने पर ऐसा लग सकता है कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया है, बट रिजल्ट इज जीरो, कुछ नहीं वहां। यही बात प्रहलाद महाराज बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं भटक रहा हूँ और उपाय जो ढूंढ रहा हूँ वो भी सारे अनित्य उपाय ढूंढ रहा हूँ। मैं तो आपके शरण में तो आया नहीं हूँ, इसीलिए आप कृपा करके मुझे अपने शरण दे दीजिए, मुझे अपने चरणों का आश्रय दे दीजिए, जहां पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। किस चीज का मोक्ष? ये सारे झंझटों से मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या है? हित्वा अन्यथा आरोपण स्वरूपेण व्यवस्थित। इस तरह के जो गलत धारणाएं, भ्रांत धारणाएं जो मैंने अपने ऊपर बना के रखा, इन सब चीजों से हितवा छुटकारा और अपने वास्तविक स्वरूप कि मैं गोविंद आपका नित्य दास हूं, इस स्थिति के अंदर अवस्थित हो जाना, ऐसे बैठ जाना है ना। कोई और अर्थ पड़ा था? तो यह बात है, अपने वास्तविक स्वरूप है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं, उसमें आके स्थित हो जाना, ऐसा तब आत्मा प्रफुल्लित हो सकता है, अन्यथा संभव पर नहीं है। यही बात प्रहलाद महाराज बता रहे हैं।
भटको जहां मर्जी जिस मर्जी योनियों में जाओ, लेकिन कभी भी किसी भी योनि के अंदर तुम्हें संतुष्टि संतृप्ति आनंद प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि तुम वो नित्य तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भक्ति को प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए पूर्वाचार्य बोलते हैं नित्य कृष्ण तत्व करुण संधान, है ना, क्या है वो? उसमें कहते हैं भजन के अंदर नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। नित्य तत्व क्या है? कृष्ण भक्ति। उसका संधान करोगे, जब उसको प्राप्त करोगे, तभी तुम्हारा जीवन के अंदर समृद्धि सुख सब कुछ आ सकता है, अन्यथा कुछ भी संभव पर नहीं है। यहाँ ये बात बता रही हूँ, बाकी हम लोग शाम को विचार करेंगे। अभी महामंत्र फिर विश्राम।